तो मास्टर टू ग्रैंड मास्टर की पुशिंग में आपका स्वागत है। तो पिछले सीजन हुआ ये था कि मैं ग्रैंड मास्टर मेंटेन नहीं कर पाया था, जिसके कारण मेरे को अवतार बैनर वगैरह मिला भी नहीं था। और इस सीजन मैं सोचता हूँ किसी भी हालत में मेरे को ग्रैंड मास्टर करना ही है। तो अभी मेरा रैंक है लाइट मास्टर, लेकिन इसमें छोटा सा ट्विस्ट ये है कि हमको सिर्फ ब्लू जोन में उतरना है और स्ट्रिक बनाने का भी कोशिश करेंगे। तो अपना पहला मैच आ गया था बरमुंडा, जहाँ भाई ब्लू जोन बना था फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में मेरे को थोड़ा जाने में डर लग रहा था क्योंकि सेंटिनो वाले बंदे यहाँ आ सकते हैं और उन लोग ऊपर में चढ़े रहेंगे तो उनका हेड पड़ने का चांस भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पास मेरे को चार एनिमी तो दिखे थे आते हुए, लेकिन भाई कोई भी मेरे तरफ नहीं आया, मतलब नीचे नहीं आया, सब शायद ऊपर में ही उतरे हैं। और यहाँ पास भाई मेरे को M60 मिल चुका है, वो भी एक चिप वाला। ब्लू जोन में खासियत यही है कि अब हमको चिप वगैरह भी मिल जाता है, तो दो चिप कर लेता हूँ मैं। और अंदर की तरफ एक बंदा दिखता है जिसको बॉडी शॉट से निपटा देता हूँ। और मैप में फायरिंग का दिखा रहा था मार्क, और शायद बंदे लोग ऊपर में ही हैं, नीचे में तो कोई दिख ही नहीं रहा है और ऊपर में ही फाइट चल रहा है। उसके बाद आगे की तरफ मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ भाई, तो यहाँ पास मेरे टीममेट के ऊपर मार्क आ रहा था एनिमी का, और वो बंदा भाई सेंटिनो यूज़ करके नीचे आ रहा था, और यहाँ पास मेरा M60 के साथ हेड लग जाता है। शायद उसके पास हेलमेट नहीं था, और उसके बाद मैं इसको यूज़ करता हूँ और इससे मेरे को पता चल जाता है कि यहाँ पास कोई भी बंदा नहीं है। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ ड्रॉप लूट निकले। अब यहाँ पास मैं ड्रॉप लूट रहा था और एक बंदा मेरे को देख रहा था, तो मैं उसको हाई वाला इमोट दिखा रहा था। तभी भाई अचानक से यार एक ऐसे तगड़ा वाला हेड पड़ा है शायद मेरे को, और मैं नॉक हो जाता हूँ यहाँ पास। उसके बाद जैसे ही मैं रिवाइव होता हूँ, सबसे पहले तो भाई ये सुपर मेडिकेट लेता हूँ, और वो बंदे सामने ही हैं, शायद उन लोग लॉन्च पैड यूज़ करके आ रहे हैं, और एक बंदा तो आ गया। अब यहाँ पास भाई मैं इस सानी कैरेक्टर यूज़ किया, तो भी भाई क्या ही तो HP कम हुआ मेरा सानी के होते हुए भी। और एक बंदा सामने था, तो इसको मैं FGL से 55 का डैमेज देता हूँ, जिसको मेरा टीममेट मार देता है। और उसके बाद एक और इसका टीममेट बचा हुआ रहता है, जिसको मैं हेडशॉट के साथ नॉक मतलब सोनिया बना देता हूँ। और ये सोनिया डिमिट्री वाला बंदा है, तो जल्दी से इसको कन्फर्म करते हैं। और इसी के साथ अपना ये टीम तो वाइप आउट हो गया और 3 किल भी आ गया। अब यहाँ पास मैं इसको टाइटल दिखा रहा था। अब उसके बाद मैं चले जाता हूँ ड्रॉप टूटने के लिए, और लकली यहाँ से मेरे को M79 मिल जाता है। और उसके बाद भाई लूट कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ से मैं निकल रहा था दूसरा ड्रॉप लूटने के लिए M79 कैमो के लिए, तभी सामने की तरफ एक और बंदा दिखता है जिसको मैं एक ही गोली में निपटा देता हूँ। और M79 का यार डैमेज यार मस्त यार, मैं एलवारो यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसका डैमेज ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, और साथ में मेरे पास एबिलिटी भी ये गन स्किन के एट्रीब्यूट्स भी डबल डैमेज वाला है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर जा ही रहा था कि एक बंदा भी ऊपर से नीचे कूदा। अब मैं कंफ्यूज हो गया था, ये एनिमी गया कहाँ, और सामने ही था जिसको मार के मैं यहाँ पर टीम वाइप आउट कर देता हूँ। अब उसके बाद सामने की तरफ और बंदे फाइट हो रहे थे, तो मैं उनकी तरफ बढ़ जाता हूँ गाड़ी पकड़ के, और वो बंदे नीचे ही हैं और नहीं साइड में है। और एक बंदा तो दिख गया है सामने की तरफ, लेकिन यार पीछे भी ये और एनिमी है। मैं ग्लू वॉल ऐसे ही लगाए सोच रहा था, रुको यहाँ पास शायद रिवाइव हो रहा है, ये ले भाई। अब एक तो नॉक आ गया और इसको 190 का डैमेज तो दिया था, लेकिन यार मेरा एक किल तो चोरी हो गया, और एक किल को तो यार टीममेट मार देती है। अब उसके बाद मैं और भी एनिमी थे यहाँ पास, तो नीचे यहाँ पास एमो ख़त्म हो गया था मेरा M79 को, और नीचे तरफ एक एनिमी था जिसको बॉडी शॉट से निपटा देता हूँ। अब एक एनिमी सामने की तरफ है, वो रहा लेफ्ट में, और इस यही बंदा है जो कि मेरा एक किल चुरा लेता है। तो अब इसको डैमेज तो देता हूँ बॉडी शॉट, लेकिन यार एक कवर में चले जाता है, और तभी याद आता है मेरे पास तो FGL है, तो एक गोली मारता हूँ और इसका सोनिया बन जाता है। अब FGL का किल है, तो जल्दी से कन्फर्म करते हैं, FGL का प्लस मिल जाएगा। अब यहाँ पास इस बंदे को मार के यार मेरा 7 किल हो जाता है, और बंदे देखते यार सिर्फ 6 लोग अलाइव हैं हम लोग को मिला के। अब उसके बाद यही वाला ड्रॉप लूटता हूँ, जिससे मेरे को M79 मिल जाता है। और सामने की तरफ एक बंदा दिखता है, और इसको मैं ठोकने के लिए हुआ, लेकिन ठोकाया नहीं, और यहाँ पास भी M79 मिस हो जाता। और तभी देखता हूँ भी दो बंदे, मैं एक बंदा करके गया था लेकिन दो बंदे हैं, तो यहाँ से मैं खिसक लेता हूँ। पहले तो गाड़ी में बैठ जाते हैं और इन लोग मेरा गाड़ी फोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पास सुपर मेडिकेट लेके मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। लेकिन मेरा टीममेट भाई एक को डैमेज देता है, उसको नॉक भी कर देता है यार, नॉक होके नॉक करता है। तो अब उतरना पड़ेगा, इसको मारते हैं, रुको ठोकते हैं एक बार। और ये किल तो मेरा टीममेट का आता है, और उसका दूसरा बंदा जो उतर गया मेरे गाड़ी में बैठा था वो नीचे ही रहा। और जैसे ही वो ना थम्सन का रिवाइव मतलब थम्सन का रिलोड करता है, तभी मैं उतर के उसको M79 बरसा देता हूँ उसके ऊपर।
और यहाँ पास अपने उसके बाद अब हमारे अलावा 4 ही बंदे बचे हुए थे, यानी 2 डुओ बचे हुए हैं। अब उनका लोकेशन तो पता नहीं था, एक डुओ तो उस ब्रिज ऊपर में थे, और जब मैं उधर तरफ जा रहा था तब देखता हूँ कि नीचे तरफ भी और भी बंदे हैं, नीचे तरफ शायद एक डुओ होगा, तो पहले नीचे वाले को निपटाते हैं वरना बाद में दिक्कत दे सकते हैं। तो यहाँ पर जाता हूँ तो एक बंदा तो गाड़ी में था और इसको एक गोली मारा, 2 गोली में सोनिया बन गया इसका। अब उसके बाद आगे की तरफ जाता हूँ तो यार ये रहा दूसरा बंदा, तो ये लो भाई टीम वाइप आउट हो जाता है। और उसके बाद अब यहाँ पास 2 ही बंदे बचे हुए हैं जो कि ब्रिज के ऊपर में हैं, और उनको मैं थोड़ा सा डैमेज देने के लिए होता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले उतर जाते हैं और यहाँ से मैं थोड़ा सा डैमेज देने के लिए होता हूँ और एक को डैमेज भी देता हूँ। अब यहाँ पास एक चीज़ अच्छा था कि मेरे पास लॉन्च पैड था, तो यहाँ पास मैं लॉन्च पैड लगा देता हूँ सबसे पहले, तो लॉन्च पैड। उसके बाद यहाँ पास गाड़ी के ऊपर एम करके मैं आ जाता हूँ इस तरफ। अब यहाँ पास 2 ही बंदे अलाइव हैं तो इनको मारते हैं चलो। और ये उनके पास भी एक परमानेंट कवर था और अपने पास भी एक परमानेंट कवर था, तो एक को तो भाई डैमेज तो दिया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और उसने भी मेरे को डैमेज दिया है। तो यहाँ पास नीलल मारते हैं एक, और जोन तो अपने तरफ है थोड़ा, तो उनको अपने तरफ आना ही पड़ेगा। और यहाँ पास मैं एक ग्लू वॉल लगा देता हूँ और इनका ग्लू वॉल फोड़ता हूँ क्योंकि अपने पास है M60। अब उसके बाद मैं FGL बरसाता हूँ, तो भाई डैमेज देखो यार 50-50 का दोनों को डैमेज जा रहा है, और एडिशनल 10-10 का और डैमेज जा रहा है उन बंदों को। अब यही सही टाइम है ग्लू वॉल फोड़ने का, FGL से तो फूट ही रहा है और M9 से मतलब M60 से तो और फूट जाएगा। अब यहाँ पास मेरा टीममेट रश कर देता है, तो मैं सोचता हूँ मैं भी रश करता हूँ क्योंकि मेरे को भी किल चाहिए, और यहाँ पास एक ही गोली मारता हूँ भाई टीम वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि उनके पास शायद वेस्ट फट गया होगा FGL के कारण उनका, इसलिए एक ही गोली मर गया, वरना उम्मीद तो लगा नहीं था इसलिए मैं दूसरा गोली मार दिया था। अब यहाँ पास ये मैच तो बुया हो गया और 33 का प्लस भी मिल जाता है। उसके बाद अगले मैच में यहाँ पास डेके स्क्वायर में बनता है ब्लू जोन, और यहाँ पास भी यार बंदे ऊपर में चढ़ जाते हैं, उनका डर था, और अपने साथ एक डुओतरा है जो कि हमसे पीछे है, तो अपने पास यहाँ पास एडवांटेज है, जल्दी से गन लूट के इन बंदों को मार सकते हैं हम लोग। और सामने की तरफ स्कार दिख गया मेरे को, और एक को तो डैमेज दिया हूँ बॉडी, लेकिन हेड नहीं लगा यार इस बंदे को, वुकोंग चचा। और ये लो नॉक कर दिया, सोनिया लेके आ रहा है देख रहे वुकोंग के साथ। अब सामने उसका टीममेट था जो कि डैमेज तो दिया मेरे को, अब यहाँ पास मैं एम करके था मारूंगा करके, लेकिन टीममेट मार देता है। अब उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, तो भाई एक डुओ मेरे को मार देते हैं, लेकिन अपना टीममेट यहाँ पास रिवाइव दे देता है, तो मैं चले जाता हूँ ड्रॉप रूट निकले। और सामने की तरफ एक बंदा दिखता है, 2 बंदे दिखे यार मेरे को, एक तो अभी जस्ट रिवाइव हुआ है और एक तो भाई यहीं किस तरफ आ रहा था। और यहाँ पास मैं मेरे को मिल जाता है AK, और सामने की तरफ बंदे दिख गए थे मेरे को, एक बंदा तो सामने ही है, तो इसको हेड मार देता हूँ। जैसे ही आ रहा था उसको हेड लग गया इस बंदे को, और जब मैं इसको फिनिश कर रहा था तब यार दूसरा बंदा डैमेज दे देता है मेरे को, और ये भी रस कर रहा था और इसको भी क्या ही तो हेड लगता है AK का, और यही सही टाइम है अपना टाइटल दिखाने का। उसके बाद मैं आगे की तरफ जाता हूँ, यहाँ पास ड्रॉप लूटे थे एनिमी लोग, और यहाँ पास M79 मिल जाएगा कर क्या था, और मिल भी जाता है मेरे को। और एक एनिमी सामने था जिसको डैमेज तो देता हूँ लेकिन मरता नहीं है बंदा, और अपना टीममेट इसको नॉक कर देता है, चलो अच्छी बात है। और मेरे को लगा था इस गाड़ी में एक बंदा है उसका टीममेट, लेकिन भाई 2-2 बंदे निकल जाते हैं, तो यहाँ से मैं सबसे पहले भाग जाता हूँ। और गाड़ी प्लीज मत फूटे यार, फूट गई, और HP तो देखो यार कितना कम HP हो गया था। और वो दोनों बंदे को शायद पता नहीं है कि मेरा टीममेट उनके पीछे है, और उन लोग को मेरे ऊपर ही ध्यान है उन लोग का। तो एक बंदा तो यार लेफ्ट में है ग्रीन क्रिमिनल, और एक बंदा राइट में, सबसे पहले राइट वाले को मारते हैं, ये लो एक गोली नॉक हो गया। और दूसरे को बंदे के ऊपर मैं रैंडमली मारता हूँ, मतलब ऐसी बिना एम किए मारता हूँ मैं, और वो मर भी जाता है यार, एकदम तुक्का मारा था बोल सकते हो। अब उसके बाद आगे की तरफ सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसको मैं नॉक कर देता हूँ, और उसको कन्फर्म करने के लिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। और आगे की तरफ और भी फाइट हो रहा था, तो एम तो यार कहीं और जा रहा था, मैं अपना किल कन्फर्म करना चाहता था, लेकिन उसको भी रिवाइव करने के लिए आ गया। और यहाँ पास मेरे को ऊपर से यार सेंटिनो वाला बंदा मार देता है, लेकिन उसके पास शायद अच्छा वाला गन नहीं था इसलिए मेरे को कन्फर्म नहीं कर पाया, तो यहाँ पास अपना टीममेट हमको रिवाइव दे देता है। और यहाँ पास एक और बंदा आ रहा था अपने पास, एक आ चुका है बंदा, सबसे पहले यहाँ पास हील कर लेता हूँ, और वो नेट फेंक रहा है, लेकिन उसका नेट यार थोड़ा गलत चला जाता है।
तो यहाँ पास अपना टीममेट भाई उसको मारने के लिए चले जाता है और भाई खुद ही नॉक हो जाती है वो। अब उसके बाद इसको रिवाइव करना था तो मैं ट्रीटमेंट वाइस इसको रिवाइव करता हूँ और पैक कर लेता हूँ पहले तो। अब मेरे को पता था वो बंदा इधर ही आएगा तो मैं यहाँ पर सेम करके था और जैसे ही आए उसको मार नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पास मेरे पास एक पैट है जिससे 30% डैमेज मेरा कम हो जाता है, मतलब ग्रेनेड लॉन्चर वगैरह का ग्रेनेड का, तो इसके कारण मेरे को डैमेज नहीं पड़ा पास में यूज़ करने के बाद भी। अब उसके बाद लास्ट जोन आ गया था जहाँ पास भाई दो डुओ बचे हुए थे और वो दोनों का आपस में मतलब दो बंदे जो सामने हैं मेरे और दो बंदे मेरे टीममेट की गाड़ी में हैं और मेरा टीममेट उतर के बहुत बड़ा गलती करता है और यहाँ पास भाई वो चारों के बीच में आ जाता है और दो बंदे तो एलिमिनेट हो जाते हैं। और यहाँ पास 1v2 का सिचुएशन था तो एक बंदे को तो मैं डैमेज दिया था तो मैं सोचता हूँ क्यों ना उसी बंदे के ऊपर रश किया जाए जिसको मैं डैमेज दिया हूँ, तो यहाँ पास इस बंदे को नॉक कर देता हूँ और ग्लू वॉल लगाता हूँ यार तो भी मैं मर जाता हूँ। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा लेकिन अपना प्लस 30 का मिल जाता है। जो फिर अपना अगला मैच स्टार्ट होता है नेक्स्ट एरिया में जहाँ ब्लू जोन बनता है इस प्रेज एरिया में और यहाँ पास भी बंदे तो बहुत उतरे थे और मेरे को सामने स्कारगन दिख गया जिसको लेने के लिए एक एनिमी भी आ गया था और इस बंदे को भाई बहुत डैमेज दिया लेकिन इस लड़की के कारण मेरे को उसको छोड़ना पड़ा और इसको पहले मारना पड़ा था। यहाँ पास इसको हेडशॉट के साथ नॉक तो कर दें और जल्दी से कंफर्म करते हैं वरना किल चोरी हो जाएगा। अब यहाँ पास एक बंदा और आता है और भाई ये भाई क्या बताऊँ ये ऐसे ही मर जाता है और टीम वाइप आउट हो जाता है। अब यहाँ पास भाई मेडिकेट तो है नहीं तो निडल ले लेता हूँ, एक ही मेडिकेट लगाते हैं, तीन मेडिकेट है। और तभी भाई मेडिकेट लगाते समय दिखता है एक बंदा जो कि साइड से निकलने के लिए हो रहा था, शायद ये आखिरी बंदा ही बचा हुआ था और ये मेरे को घर के सामने दिखता है जिसको मार के ये बिटी। उसके बाद मैं यहाँ वेंडिंग मशीन की तरफ जा रहा था तभी भाई एक बंदा दिखता है जिसको डैमेज दिया हूँ अच्छा खासा, तो एफजीएल से मैं एक गोली मारता हूँ और वो बंदा नॉक हो जाता है। अब अपना टीममेट भी मर चुका है तो उसको भी सुपर रिवाइव दे देते हैं और यहाँ पास सेल्स चल रहा था तो दो सुपर मेडिकेट ले लिया और उसके बाद भाई मैं मर जाता हूँ एक एनिमी के हाथों। तभी मेरा टीममेट इस बार रिवाइव दे देता है और मैं भाई उसी जगह पे उतरता हूँ उस बंदे को मारने के लिए। अब यहाँ पास इस बंदे को भाई थम्सन से क्या ही तो हेड लगता है और उसका दूसरा बंदे को मैं टीममेट मार देता है और इसी के साथ ये टीम वाइप आउट हो जाता है। अब ऊपर की तरफ और भी एनिमी थे तो यहाँ पास मैं सबसे पहले सामने की तरफ ग्लू वॉल लगा देता हूँ उसके बाद लूट करता हूँ और इन लोगों को टाइटल भी दिखा रहा था। अब ऊपर में एक एनिमी था जिसको क्या ही तो हेड मार के इसका शून्य बनाऊँ और दूसरे बंदे को भी भाई हेड मार के इसको नॉक कर देता हूँ मैं, लेकिन यार उन लोग का डिमिट्री के कारण उन लोग रिवाइव हो जाते हैं और मैं मतलब मेडिकेट लिए बगैर मैं रेस्ट करने चले जाता हूँ। और यहाँ पास भाई एक बंदा सामने दिखता है जिसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और वो मर जाता है और दूसरा बंदा इस घर के अंदर चला गया, तो चलो चलते हैं अब घर के अंदर। और वो फिर से बाहर निकल गया, अब ऊपर जा रहा था तब इस बार मैं पकड़ लेता हूँ और इसको बॉडी बॉडी शॉट से निपटा देता हूँ और ये टीम भी वाइप आउट हो जाता है। फिर आगे की तरफ गाड़ी में घूम रहा था तो दो बंदे जोन में जा रहे थे जिसमें से एक को तो मैं ठोक दिया गाड़ी से और दूसरे बंदे को टीममेट मार देता है। उसके बाद आगे की तरफ और जा रहा था मैं जोन में और ये ब्रिज मेरे को थोड़ा सही लगा और सामने की तरफ एक एनिमी था और फायर भी चल रहा है तो यहाँ पास मैं डैमेज थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और नॉक हो जाता है, तो अब जल्दी से इसको कन्फर्म करते हैं। और अब इसी के साथ अपने यहाँ पास 11 किल हो चुका है और सामने की तरफ और बंदा था भाई, लेकिन तभी उसको मारने के चक्कर में भाई वो बंदा यार कितना ज़्यादा डैमेज दे दिया, मैं 6-7 HP का छोड़ दिया था मेरे को। अब यहाँ पर जल्दी से सुपर मेडिकेट लेते हैं और ऊपर से एक एनिमी आ रहा है तो अब इसको भी भाई मार के यहाँ पास टीम वाइप आउट हो गया। अब बाकी तो बंदे सामने की तरफ हैं जिनमें से एक को तो डैमेज दिया हूँ मैं और ये बंदे को भी डैमेज दिया हूँ मैं। अब यहाँ पास 2v2 है, दोनों बंदे सामने की तरफ हैं और वो दोनों उस दीवार के पीछे हैं तो यहाँ पास मैं इनको डैमेज देने के लिए हो रहा था लेकिन दे नहीं पा रहा था और वो मेरा गाड़ी भी फोड़ देते तो मैं यहाँ से हटाने के लिए हुआ लेकिन यार वो फोड़ ही दिए मेरा गाड़ी को और यहाँ से मेरे को उतरना पड़ा। अब मैं आगे की तरफ जा रहा था बंदे को मारने के लिए लेकिन भाई ये सामने आ गई थी जो कि मेरे को डैमेज दे दी थी। अब यहाँ पास इसको मारने के लिए हुआ लेकिन मैं ही नॉक हो जाता हूँ यार। अब यहाँ पास मेरे टीममेट के ऊपर 1v2 का सिचुएशन बन गया था लेकिन इस मतलब मेरे टीममेट ने एक को तो नॉक कर दिया, अब इसको कंफर्म भी कर दिया और इसके पास भाई जाइन करेक्टर था तो मेरे को भरोसा था कि ये निकाल लेगा तो और जाइन ऑन करने के बावजूद भाई कितना डैमेज दे दी थी ये वो लड़की। लेकिन मेरा टीममेट भाई प्रो प्लेयर था और वो इस बंदी को मार के इस मैच को बुझा करा देता है और ऐसे ही करते करते अपना 33+ हो जाता है और ये हम लोग मतलब 2 का स्ट्रिक बना लिए थे भाई और ऐसे ही हम लोग 5 का स्ट्रिक बनाए थे लेकिन 5 का स्ट्रिक अपना ज़्यादा टाइम तक रहा नहीं
और सब में देखो 10 12 11 किल है और 5 का स्ट्रिक तो अगले मैच में टूट गया मेरी ही गलती के कारण। मैं अपना ही M79 अपने ऊपर मार देता हूँ जिसके कारण मैं मर जाता हूँ। और ये वाला लास्ट मैच था जिसमें मेरे को सिर्फ ओनली 20 का प्लस चाहिए था ग्रैंड मास्टर के लिए, और ये मेरा टीममेट तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया और वो मर जाता है। लेकिन मेरे को एक खास बात ये है, यहाँ पर 27 का प्लस मिल जाता है मेरे को। अब मेरे हिसाब से तो यहाँ पास ग्रैंड मास्टर लग जाना चाहिए। चलो देखते हैं बैक करके। और थर्ड पोजीशन में हम आए थे और फाइनली भाई ग्रैंड मास्टर लग गया, जिसके लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, फाइनली मिल ही गया। और देखते हैं अब अपना कितना रैंक में हम, मतलब 9000 के आसपास दूंगा। और देखो 9998। और उसके बाद मैं फिर से अपना प्रोफाइल खोल के देखता हूँ तो यहाँ पास 10000 एकदम करेक्ट लिखा के आ जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।